हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको यहाँ पर समझना होगा कि कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली हमारे पास सात प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपके सामने ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का बी टू ए देन एफ एक्स इंटू डी एक्स। मीन्स आप अगर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, अपर लिमिट लोअर बनाते हैं और लोअर अपर बना देते हैं, तो बाहर आपको माइनस टाइम चेंज करना होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके सामने है, अगर आपको दे रखा है ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आपको दे रखा है, तो आप लिखेंगे इसे जीरो ए टू बी, ये ए टू बी है, एंड देन एफ टी इंटू डी टी। मीन्स कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है तो आप उस फंक्शन को जो कि एक्स की फॉर्म में दे रखा है आप उसे टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आपके सामने है, थर्ड प्रॉपर्टी, ये है ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है आपके सामने। आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको सिंपल ये करना है कि ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये इक्वल होते हैं, यानी कि लेफ्ट वाला साइड राइट वाले साइड के हमेशा इक्वल आएगा जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी है आपके सामने जीरो टू ए, ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी को ही फॉलो करेगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है जीरो टू ए, ये हो जाएगा आपके पास ए माइनस का एक्स इंटू में डी एक्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी के पास चलते हैं, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके सामने है और वो प्रॉपर्टी है ये देखिए, यह है फिफ्थ प्रॉपर्टी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके सामने होगी, जैसे आपको दे रखा है ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आप इसे लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, नेक्स्ट, यहां पर यह बात भी पता होनी चाहिए आपको कि जो सी है वो सी क्या है, ए से बड़ा है, आप इसे ए से बड़ा लिखेंगे और b से छोटा है, यानी कि c की वैल्यू a और b के बीच की वैल्यू है। दो और प्रॉपर्टीज हैं आपके सामने, जैसे कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपके सामने माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके दो आंसर्स होते हैं, पहला आंसर इसका होगा जीरो और दूसरा आंसर होगा इसका ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका आंसर जीरो कब होता है तो वो बता देता हूं मैं आपको, अगर आप x की जगह पर माइनस एक्स रखते हो और आंसर में माइनस का एफ एक्स आ जाए, और अगर आपके सामने x की जगह आप माइनस एक्स रखते हो और आंसर प्लस का एफ एक्स आ जाए, प्लस का आ जाए तो आप संख्या में ये लिखेंगे, ये आपके सामने है, और अगर माइनस का आ जाए तो आप लिखेंगे जीरो। नाउ सेवंथ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है और वो है जीरो टू टू ए इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर ये आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे, इसका दो आंसर्स हो सकते हैं इसके भी, एक तो जीरो, एक ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जीरो कब होगा, जीरो जब होगा जब आप चेक करेंगे टू ए माइनस एक्स, तो आंसर आना चाहिए आपका माइनस का एफ एक्स, है ना, ओड नंबर। और अगर आप इसे ऐसे चेक करेंगे टू ए माइनस एक्स, तो आंसर आना चाहिए पॉजिटिव ये। अब ये मैंने सात प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी, आपने कॉपी कर ली होगी एक एक प्रॉपर्टी, कॉपी जरूर करिएगा साथ साथ मेरे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये है क्या चीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बेसिकली ये रूल्स जो हमें रटवाए जा रहे हैं क्या है। तो मैं इसको एक सिंपल क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। सपोज मैंने कहा कि आपके सामने संख्या लिखी है जीरो से पाई बाई टू 90 डिग्री, और यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने साइन x इंटू डी एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पता है कि साइन x का इंटीग्रेशन cos x होता है, वो भी माइनस का cos x, तो ये लिख दिया मैंने माइनस का cos x। ऊपर से आपको जो लिमिट है वो लिखनी है, तो ये लिमिट आपके सामने है एक तो पाई बाई टू और एक जीरो, ये लिमिट दे रखी है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे माइनस तो बाहर आ गया, आप लिखेंगे cos पाई बाई टू माइनस का cos x, आप यही तो लिखेंगे cos पाई बाई टू माइनस का cos जीरो, सॉरी आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। ओके,
ये बात आपको तो पता ही है, लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको समझ में आया होगा। तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, वो होती है वन, और कॉस जीरो की वैल्यू नहीं सॉरी कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, वो होती है जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वो होती है वन। आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपका एक आ जाएगा। दूसरी तरफ मैंने प्रॉपर्टी लगानी है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई, और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इसे ऐसा करिए, जीरो टू पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दीजिए। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। मैंने कहा कि ये दोनों ही इक्वल होते हैं, ये दोनों ही इक्वल होते हैं, मैंने ये बात आपको बता दी है प्रॉपर्टी में, आपने प्रॉपर्टी लिख ली होगी, मैंने ये दोनों को बराबर कहा है। तो आप कहेंगे सर देखने में तो ये दोनों बराबर नहीं लग रहे हैं, यानी कि आप अगर इसे लेफ्ट वाले साइड को देखें, ये लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड देखें, तो ये दोनों तो बराबर नहीं दिखेंगे ना आपको। कैसे बराबर नहीं दिखेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा आपके सामने होता है, ये है आपके सामने कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स, तो कहां से दोनों बराबर हो गए, ये तो दोनों अलग अलग है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। जरा इसे भी सॉल्व करते हैं, देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव का साइन एक्स। अपर लिमिट जो आपके सामने है वो है पाई बाई टू, और लोअर लिमिट है जीरो। जब इसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन पाई बाई टू माइनस का साइन जीरो। साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो फाइनल आंसर कितना आया, वही आंसर आया जो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, यानी कि अगर आंसर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन जो मैंने लिखी है वो भी सेम है। इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी भी फंक्शन के लिए ये फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई थी मैंने, ये देखिए आपके सामने फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी ये भी मैंने लगाई है, तो ये लगाई जा सकती है, यानी कि एप्लीकेबल है। तो अब ये एप्लीकेबल कैसे हुई, ये वाली कंडीशन, ये एप्लीकेबल ऐसे हुई कि आपके सामने है ये क्या एफ एक्स कोई भी फंक्शन, और आप अपर लिमिट माइनस का एक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने ये सातों प्रॉपर्टीज समझनी है। ये सातों प्रॉपर्टीज का मतलब के सात रूल हो गए आपके सामने जो आपको याद करने हैं। अब इनका बेनिफिट क्या है, तो जल्दी से हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आपको इनका बेनिफिट समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ही फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, ये देखिए प्रॉपर्टी फोर्थ, ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी है क्या मैं बता देता हूँ आपको, ये प्रॉपर्टी है जीरो टू ए एफ एक्स आपको दे रखा है इंटू डी एक्स। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जीरो टू ए और एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखना है। ये प्रॉपर्टी है जो मैंने आपके सामने लिखी। अब इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहता है कि इंटीग्रेट करो, आपको क्वेश्चन में कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, आप प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे वो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और आपसे कहता है इवेल्युएट, इवेल्युएट। तो इवेल्युएट कैसे करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, लिखा हुआ है रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन में रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चंस अब सिंपल इंटीग्रेशन से तो नहीं हो सकता, ये आप क्वेश्चन को सिंपली इंटीग्रेशन से तो नहीं कर सकते। तो इस पर हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे, और इससे भी पहले हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा, हमें इसके सॉल्यूशन में हमेशा प्रॉपर्टीज के किसी भी क्वेश्चन में हमेशा लेट करना है, और लेट करना है आई इज इक्वल टू वो क्वेश्चन जो दे रखा है। ये आपके पास पाई बाई टू, ये लिखेंगे आप रूट ऑफ साइन एक्स, ये क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, अपॉन में रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, ये इंटू में डी एक्स लिखेंगे, और ये फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसे सबसे पहले आप आई मानेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हो रही है यूज, तो लिखेंगे यूजिंग, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, क्योंकि ये फोर्थ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ
ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, देखिए आप इस क्वेश्चन पे ये प्रॉपर्टी कैसे एप्लीकेबल करेंगे। आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू रूट ऑफ साइन, एक्स की जगह पर आ जाएगा पाई बाई टू माइनस का एक्स, ठीक है, बहुत सिंपल है, एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस का एक्स, जो भी अपर लिमिट था वो माइनस का एक्स। उसके बाद डिवाइड में क्या है, रूट ऑफ कॉस, एक्स की जगह पर आ जाएगा पाई बाई टू माइनस का एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी और रिप्लेस की जाएगी। ये लिखा जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस का एक्स। तो होप्सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हुई, जहां जहां एक्स है तीन जगह है और उन तीन जगह पर पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दिया, बस इतना सा काम कर दिया आपने। उसके बाद अगले स्टेप पर चलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपके सामने रूट ऑफ, ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस एक्स। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा भी आपको जरूर पढ़ा होगा आपने, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन एक्स लिखा जाएगा और यहां पर साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा। ये आपके सामने सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को देखना है और देखना है कि क्या आप इसका इंटीग्रेशन करा सकते हैं। आप इसका इंटीग्रेशन नहीं करा सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, मैथ्स का नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप ऐड कर सकते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आप पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। तो पहली और दूसरी इक्वेशन आपने अभी कॉपी पे लिख ली होगी, पहली इक्वेशन, तो जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो 2i आ जाएगा और राइट साइड में आएगा 0 टू पाई बाई 2। आपको फर्स्ट इक्वेशन में लिख के दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है जो ऊपर आपने देखी होगी अभी, ये आ गया आपके पास रूट कॉस एक्स प्लस का रूट साइन एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपके सामने। मैंने प्लस करना है सेकंड इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन तो आपको दिख ही रही है, कॉस एक्स अपॉन में रूट ऑफ साइन एक्स एंड देन प्लस का रूट ऑफ कॉस एक्स। तो ये आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, और ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेके ऐड करते हैं भाई, तो हम एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम किस तरीके से लिया जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 एंड देन एलसीएम में क्या आएगा जरा बताएंगे आप, देखिए दोनों की सेम वैल्यू दे रखी है तो एलसीएम में सेम वैल्यू आ जाएगी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बोल दो इसे, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो है तो सेम। जब एलसीएम लेंगे आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, और आप गौर से देखेंगे तो आपको ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, जो कि हर बार कैंसिल होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत आसानी से आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, ये पूरी पूरी संख्या कटती हुई दिख गई आपको, कैंसिल हो गई है, तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, बचा आपके सामने 1। तो आप इसे लिखेंगे इस तरीके से कुछ, यह आ जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 एंड देन 1 इंटू में dx। आप 1 का इंटीग्रेशन कराएंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 टू 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि आप लिखेंगे 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, और आपका आंसर जो आएगा वो आंसर है i इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपने प्रॉपर्टी से, फोर्थ प्रॉपर्टी से एक कठिन क्वेश्चन बड़े आसानी से कर दिया, इंटीग्रेशन में आपको परेशानी नहीं हुई। सेम यही तरीके से आपको करना है अगला क्वेश्चन, और ये आपका होमवर्क है, आप इस सेकेंड क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे, और ये होमवर्क में क्या लिखेंगे, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 देन साइन की पावर 3 बाई 2 इंटू एक्स, यानी कि इंटू एक्स नहीं है, 3 बाई 2 एक्स लिखेंगे, उसके बाद साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2 एक्स। अब देखने में तो ये क्वेश्चन कठिन लग रहा है, लेकिन इसका आंसर भी, जो आंसर आएगा इसका, वो आंसर भी पाई बाई 4 ही आएगा, और ये करने का तरीका भी सेम जो मैंने क्वेश्चन कराया था वैसे ही करना है। यहाँ पर पावर 3 बाई 2 लिखी हुई है, देख सकते हैं 3 बाई 2, और अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये
तो अगर आप इसे अपने सही तरीके से देखें तो देखो ये रूट हटा दो, ये लो रूट हटा दिया, तो ये पावर किस तरीके से लिखी हुई है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ये पावर 1/2 लिखी हुई है। अब आप समझ चुके होंगे कि पावर 1/2 जब आप करेंगे या 3/2 करेंगे इसका तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये 1 ही आएगा और ये एक ही तरीके से सॉल्व होगा जैसे मैंने बताया। फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओ, ऐड करो, 1 आया, देन इंटीग्रेशन एक्स, देन पाई बाई 4, सेम आंसर है। आप इसे खुद से करेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन कॉपी पे लिख लीजिए। सेम तरीके से आपको तीसरा क्वेश्चन भी करना है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है और ये जरूर करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन करने से आपकी प्रैक्टिस बनेगी और प्रैक्टिस बनेगी तभी आप पेपर में अच्छे नंबर ला पाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, यह है साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x। मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया, इसका भी सेम आंसर आएगा, आंसर इसका पाई बाई 4 ही आएगा। आप इसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका सेम आंसर है। देन आपको मैं फोर्थ क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये आप करेंगे 0 to π/2, सेम प्रॉपर्टी लगाइए और क्वेश्चन नंबर फोर्थ करिए, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को सॉल्व, इसका भी सेम आंसर आएगा, आंसर आएगा 5/4। तो यानी कि करने का तरीका भी सेम, 1 बनेगा जब ऐड करेंगे तो 1 बनने के बाद आप एक्स कर देंगे उसका, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स होता है 1 का, और उसके बाद फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो ये चार क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, ये जरूर करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ अगली प्रॉपर्टी का। देखिए ये तो हो गई प्रॉपर्टी फोर्थ, उसके बाद चलते हैं हम प्रॉपर्टी अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी 5 की, जो प्रॉपर्टी 5 मैंने लिखवाया है तो उसमें क्या लिखवाया है, मैं पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं ताकि आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए। ये लिखा है a to b f(x)(dx), इसकी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है a to b a to c f(x)(dx) प्लस c to b f(x)(dx), ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है। तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होंगे एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगा, फिर दो क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, तो ध्यान से समझना। ये प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ है, प्रॉपर्टी नंबर मैंने फर्स्ट नहीं बताई, सेकंड नहीं बताई, थर्ड नहीं बताई, मैंने पहले फोर्थ प्रॉपर्टी बताई है और अब मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं बताई उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है और वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ -5 to 5, और ये आपके सामने है क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x+2 into dx। ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर्टी जब भी इस्तेमाल होती है तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए, या तो क्वेश्चन में जो फंक्शन है, या तो क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दे रखा है आपको, ये वो मोड में दे रखा होगा, मोड मोड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर मल्टीपल फंक्शन होंगे, मल्टीपल फंक्शन, तो मल्टीपल फंक्शन के केस में भी आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास मल्टीपल फंक्शन दे रखे हैं, ये मल्टीपल फंक्शन कहलाता है क्योंकि ये मोड में दे रखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये इस वैल्यू को इक्वल टू 0 कर दीजिए, x+2 = 0। तो आप 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। अब उसके बाद आप ऐसे वैल्यू लिखेंगे और किस तरीके से लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे लोअर वैल्यू, ये आपके सामने लोअर वैल्यू है, ये आप इसको लिखेंगे और लोअर वैल्यू के बाद आप जाएंगे किसके पास, इस वैल्यू के पास, यानी कि -2 के पास, और -2 की मिडिल वैल्यू के बाद आप जाएंगे आप किसके पास, इस 5 के पास, यानी कि आप डायरेक्ट 5 to -5 to 5 ना जाके -5 to -2 और -2 से 5। समझ में आ गया आपको कैसे जाना है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -5 < x < -2। -5 < x के साथ हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं, इक्वल टू का मतलब हो गया कि -5 के इक्वल भी है और बड़ा भी है, और उसके बाद -2 से छोटा रहेगा, इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल हो गया तो ये 0 हो जाएगा फंक्शन, ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन दे रखा है ये 0 हो जाएगा अगर ये -2 बन गया x। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे है -2 < x > = 5। अब ये मैंने किस तरीके से लिखा है, कई स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं कर पाते, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए ये आपके सामने है, ये कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर होगा, उसको पहले तो इक्वल टू 0 करके x की एक वैल्यू निकाल लेंगे,
फिर उसके बाद जो लोअर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू आप पहले लिखेंगे उसे, फिर हमेशा हर क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, फिर लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, फिर यहां कौन सी संख्या आएगी, ये जो संख्या निकल के आई है मिडिल वैल्यू, सी कह सकते हो आप इसे। देन आगे आप क्या करोगे, आपकी जो वैल्यू है सी है ये माइनस टू, ये वाली संख्या जो आपके सामने, और उसके साथ फिर अपर वैल्यू क्या दे रखी है आपको, अपर वैल्यू आपको 5 दे रखी है, तो यहां पर अपर वैल्यू 5 लिखी जाएगी। तो समझ में आया लिखने का तरीका क्या है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक बार और कोशिश करिएगा इसे समझने के लिए, आप रिपीट करके देख लो, रिवाइंड करके देख लो, ये चीज आपको समझनी है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आप देखिए माइनस फाइव से माइनस टू के बीच में जो संख्या है वो संख्या क्या हो सकती है, उसका फंक्शन क्या हो सकता है। देखो आपके सामने जो फंक्शन है वो ये है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं x प्लस टू। आप देखिए माइनस फाइव से माइनस टू के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, माइनस फाइव से माइनस टू के बीच में आपके सामने संख्या आती है माइनस का फोर, माइनस का थ्री। अब माइनस का फोर और माइनस का थ्री अगर उठा के मैं इसमें रखता हूं, जैसे माइनस फोर उठा के रखता हूं, तो आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। माइनस थ्री अगर मैं इसमें रखता हूं तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि हमारा फंक्शन भी नेगेटिव होगा, यहां पर लिखेंगे एक्स प्लस टू। क्यों नेगेटिव होगा, मैंने रख के दिखाया। उसके बाद चलते हैं हम आगे, आगे आपको क्या दे रखा है, अगले में क्या दे रखा है देखिए, ये है नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको क्या दे रखी है वैल्यू, माइनस टू से फाइव, एक तरफ माइनस टू लिखिए, एक तरफ फाइव लिखिए, इसके बीच में माइनस वन आता है, इसके बीच में जीरो आता है, वन टू थ्री फोर आता है, कोई भी संख्या यहां रखिए, कोई सी भी संख्या, कोई सी भी एक सिंगल संख्या रखिए, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। और अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब फंक्शन भी पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। तो आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, ये फंक्शन जो है यहाँ पर x प्लस का 2 होगा। बस क्वेश्चन हो चुका है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, ये प्रॉपर्टी बहुत आसान है। पहचान कैसे होती है कि यहाँ मल्टीपल फंक्शन दे रखे होंगे, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा वैल्यू, जैसे कि ये मोड में दे रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू में दे रखा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू होगी। अब आपने ये, आपने अपनी तरफ से ये संख्या बनाई, ये कैसे बनाया आपको पता लग गया, लोअर लिमिट टू मिडिल वैल्यू और मिडिल वैल्यू टू अपर लिमिट, ये ठीक है। अब चलते हैं हम इसको कैसे हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाइव टू माइनस टू। देखिए माइनस फाइव पहले ये लिखा है और ये लिखा है माइनस टू, और फंक्शन लिखेंगे ये नेगेटिव वाला, माइनस का एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू टू फाइव, माइनस टू से फाइव, और फंक्शन लिखेंगे एक्स प्लस टू। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया ये प्रॉपर्टी कैसे एप्लीकेबल हुई है, देख सकते हैं दोबारा से, आपके सामने प्रॉपर्टी ये थी और इस प्रॉपर्टी के अंदर ये ए टू बी जाना था हमें, तो हम गए ए टू सी, सबसे पहले लिखा हमने ए और ए टू सी गए हम, और ए टू सी के बाद हम गए हैं सी टू बी, पहले ए टू सी गए हैं और फिर सी टू बी गए हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि सी जो होती है वो बी और ए और बी के बीच की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू ए और बी के बीच की वैल्यू होती है। तो ये बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने बस इंटीग्रेशन रह गया है। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, माइनस तो बाहर लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस का टू एक्स ये इंटीग्रेशन हो गया, माइनस का टू टू माइनस का फाइव, प्लस फिर इंटीग्रेशन कराएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन एक्स का हो गया और टू का टू एक्स हो गया, ये फाइव एंड माइनस टू। तो आपको ये भी समझ में आ गया किस तरीके से इंटीग्रेशन किया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे रखेंगे, माइनस बाहर ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर में हम रखेंगे माइनस का टू का स्क्वायर अपॉन में टू प्लस का टू इंटू में माइनस टू, ये आप ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा क्योंकि आपने अपर वैल्यू रखी है, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, लोअर वैल्यू आपके पास माइनस का फाइव है तो आप लिखेंगे माइनस का फाइव का स्क्वायर देन अपॉन में टू प्लस का टू इंटू माइनस का फाइव। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस जगह पर आपको वैल्यू रखनी है, ओके फिर प्लस का साइन लगाएंगे, देन नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या दे रखा है, फाइव का स्क्वायर अपॉन में टू प्लस का टू इंटू फाइव, या ब्रैकेट में रखेंगे, देन उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे और उसके बाद माइनस का टू का स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन में टू प्लस टू और माइनस टू। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको वैल्यू लिखनी है। जब आपने इतना काम कर दिया है तो अगले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा देखिए, ये माइनस बाहर होगा,
सबसे पहले माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 अपॉन 2 2 आएगा, फिर माइनस का 4 होगा। आप देख सकते हो कैसे कराया मैंने, माइनस का निशान। माइनस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बाय 2 आएगा। देन उसके बाद अगले पर चलते हैं, अगला स्टेप है माइनस का 10। ये हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, 25 अपॉन में 2 देन प्लस 10 एंड देन माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस का 4। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कैसे करा गया है। अब उसके बाद माइनस का अंदर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास, इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, तो लिखेंगे माइनस का 2 माइनस 25 बाई 2 प्लस 10 प्लस, देन यहां पर भी आप ऐसी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 25 बाई 2 प्लस 10 माइनस, और यहां पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2। आगे सारे ब्रैकेट पहले ओपन कर दीजिए, देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 25 बाई 2 माइनस का 10 प्लस का 25 बाई 2 प्लस का 10 प्लस का 2। तो आप देखेंगे गौर से तो 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, यानी कि घट जाएगा ये 10 से 10, तो बचेगा क्या, 25 बाई 2, 25 बाई 2 ऐड हो जाएगा और 2 और 2 ऐड हो जाएगा। तो देखिए 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस का 25 बाई 2 और 25 बाई 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, आ जाएगा आपके पास 25 बाई 2 प्लस 25, पैसे तो 25 आएगा, सीधा आंसर है, लेकिन आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी क्विक हो सकती है, मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा 25, तो बेसिकली आ जाएगा 58 अपॉन में 2, देन आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा, देन फाइनल आंसर आपका 29 आ गया। तो समझ में आया आपको ये प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ कैसे की गई। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए। इस प्रॉपर्टी का सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आपको इसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 8 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 5 इंटू डीएक्स। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने थर्ड है इसमें, और ये भी आपका होमवर्क होगा, 0 टू 4 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डीएक्स। तो आपने समझ लिया कि ये दो क्वेश्चंस जल्दी से कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद फिर इसको सॉल्व भी करना है आपको। अच्छे से सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर सही से बन पाएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ, ये आपके सामने आंसर है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन जो ये दे रखा है आपको 2 टू 8 x माइनस का 5, तो इसका आंसर आपका बनेगा 9। और दूसरे का आंसर जो बनेगा, ये आपको दे रखा है कौन सा क्वेश्चन है, 0 टू 4 x माइनस 1, तो इसका आंसर आपके सामने आएगा 5। ये दो आंसर्स हैं, ये आंसर्स आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, किस तरीके से आपका इसमें बनेगा आंसर, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप। हमारे दो टाइप और बचते हैं, दो प्रॉपर्टीज और बचती है, और कंप्लीट हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो ये आपके सामने है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे सामने, प्रॉपर्टी हमारे पास माइनस ए टू ए। अब माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए ये है आपके पास प्रॉपर्टी माइनस, ये वाले प्रॉपर्टी ये है माइनस ए टू ए, कोई भी एक फंक्शन दे रखा हो इंटू डी एक्स, तो इसके दो आंसर्स होते हैं, एक आंसर जीरो होता है, एक ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, ठीक है। ये दो आंसर्स होते हैं, तो ये आपके सामने आंसर कब होगा, जब आप माइनस का एक्स रखोगे एक्स की जगह पर और आंसर नेगेटिव आ जाए, और ये कब होगा, जब आप माइनस का एक्स रखोगे और आंसर पॉजिटिव आ जाए। तो इससे रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चंस करना कैसे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इस प्रॉपर्टी का है, और वो है माइनस का पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। तो आपको ये समझ में आया कि ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन में हम इसे आई मान लेंगे, हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन है माइनस का पाई बाई टू टू पाई बाई टू इंटू में, यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। ओके, ये मैंने लिख दिया।
अब मुझे पता लगा ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इससे रिगार्डिंग प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी तो आपने ऊपर लिख ही लिया, तो मैं आपको इसमें क्या करके दिखाऊंगा। देखो पहले मैं लिखूंगा एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ये माइनस लिख दिया, तो यहां पर भी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपको यहां से थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, वो कैसे, आप यहां लिखेंगे माइनस एक्स इज इक्वल टू, पहली बात तो ये जो स्क्वायर दे रखा है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यस लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद जब इसको होल स्क्वायर लिख दिया, तो फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि साइन, ये देखिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है माइनस का साइन थीटा। और ये बात मैंने इससे पहले की कई सारी क्लासेस कराई हैं, उसमें से एक क्लास में जरूर कराया होगा, तो आप जरूर उसे जाके वहां देखेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, और इसकी पावर कितनी है, दो। तो अगर दो पावर है तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। देन फाइनली जो हमारे पास बना वो क्या बना, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कंडीशन तो हमारे पास एफ एक्स थी, ये देखिए एफ एक्स, और एफ एक्स थी तो आपने क्या चेक किया, आपने चेक किया इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि आपने रखा तो था माइनस और आंसर पॉजिटिव में आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू, लिखेंगे सो आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई बाई टू इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। तो यहां से ये भी बात पता चली कि अब ये क्वेश्चन को हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, और इस पर फिर से एक प्रॉपर्टी लगेगी, यानी कि एक साथ कई सारी प्रॉपर्टीज लगाई जा सकती है। और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, आप लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी फोर्थ जो है वो ये है, जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है आपके सामने। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे हम वो देख लेते हैं। आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, और यहां लिखेंगे आप साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस का एक्स, देखेंगे ना एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स। ठीक है, आपके सामने जो पहली कंडीशन थी यानी पहली इक्वेशन थी वो ये है, आप देख सकते हो ये आपके पास पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन जो आपकी बनी है वो ये बनेगी, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इन दोनों इक्वेशंस को, देखिए ये सॉल्व ऐसे किया जाएगा कि आप इसे लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। आप पहली और दूसरी इक्वेशंस को क्या करेंगे, आप पहली और दूसरी इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए पहली इक्वेशंस भी आपने कॉपी पे लिख ली होगी और दूसरी इक्वेशन भी लिख ली होगी, तो देखिए ऐड इस तरीके से होगा जीरो टू पाई बाई टू, और यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स। ऐड करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, ट्वाइस बाहर आ गया और दोनों को जोड़ दिया। अब देखेंगे तो आप इस टू से ये टू कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, डिवाइड में लाके भी कैंसिल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन होता है आपके सामने एक्स, अपर लिमिट है आपके पास पाई बाई टू, लोअर लिमिट जीरो है, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस जीरो। देन आपको समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टी में दूसरी प्रॉपर्टी लग गई और किस तरीके से लगी वो आपको समझ में आया, यानी कि इसमें से दो आंसर थे। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, कुछ बच्चे शायद थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन सीधा है, ये आपके सामने क्वेश्चन आया, ये इस क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, ये देखिए ऊपर पाई बाई टू है और यहां पर माइनस का पाई बाई टू है, यानी कि माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी। तो जैसे ये प्रॉपर्टी देखोगे आपको सीधा देखना है ये एफ एक्स क्या है। ये एफ एक्स मैंने उठा के यहां लिखा, एफ एक्स में एक्स की जगह पर मैंने माइनस लिखा, दोनों तरफ माइनस हुआ, जितनी जगह भी होगी संख्या सब जगह माइनस होगा, और जब इसे सॉल्व करता हुआ आगे बढ़ा तो आगे मेरा आंसर जो आया वो पॉजिटिव का एफ एक्स आया। ये देखिए ये आपका पॉजिटिव का एफ एक्स है, हो सकता है यहाँ नेगेटिव का आता,
अगर नेगेटिव का आ जाता तो अगले स्टेप में हमारा आंसर आता जीरो और ये आंसर देके छोड़ देते। लेकिन अगर ये पॉजिटिव का आया तो हमारा अगला स्टेप बना ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स। देख सकते हो ऊपर प्रॉपर्टी में यही लिखा है। और जब ये बन गया तो इसके बाद इसे फर्स्ट इक्वेशन बनाई, फोर्थ प्रॉपर्टी दोबारा से लगाई और उसे सॉल्व करते गए, देन आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं हमारी आज की लास्ट प्रॉपर्टी के पास। सात में से आपको चार प्रॉपर्टीज करनी है और तीन प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो प्रॉपर्टीज या तो क्वेश्चन के बीच में यूज होंगी या फिर उसका कभी इस्तेमाल इंडिविजुअल क्वेश्चन में नहीं होगा। देखिए प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी अब आता है आपके सामने सेवंथ, सिक्स सॉरी सेवंथ है शायद। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी जरा चेक कर लेते हैं एक बार। ये प्रॉपर्टी फिफ्थ थी, सॉरी वो फिफ्थ, उससे ऊपर फिफ्थ और ये सिक्स थी। अब नंबर के हिसाब से चलें, जो मैंने नंबर ऊपर लिखवाया उस हिसाब से चल रहा हूँ। तो यहाँ पर अब सेवंथ प्रॉपर्टी आ गई है। सेवंथ प्रॉपर्टी भी सिक्स प्रॉपर्टी जैसी ही है। मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ये दे रखा है जीरो टू टू ए, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप इसे लिखेंगे एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसके दो आंसर आएंगे, एक तो ट्वाइस जीरो आएगा, एक ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तो आंसर आएंगे और दोनों में से कोई सा भी एक आंसर हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, जीरो कब आएगा? जीरो जब आएगा जब एफ टू ए माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स हो जाए, नेगेटिव आ जाए। और ये कब आएगा, ये संख्या कब बनेगी? जब एफ टू ए माइनस का एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाए। तो होप सो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी जैसा ही है, बस चेक करने का पैमाना बदल जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के पास। इस प्रॉपर्टी का पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज आपको क्वेश्चन में दे रखा है जीरो टू टू पाई और यहां दे रखा है कॉस की पावर फाइव एक्स इंटू डी एक्स। तो आपने पहचान लिया ये तो प्रॉपर्टी लगी। तो इस प्रॉपर्टी को सॉल्व कैसे करेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे इस तरीके से, आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस फाइव एक्स है, फिर एक्स की जगह पर आपको लिखना है टू ए माइनस एक्स। टू ए का मतलब टू पाई माइनस एक्स, अपर वैल्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर भी हो जाएगा कॉस फाइव इंटू में टू पाई माइनस एक्स। अब अगले स्टेप पे चलेंगे तो अगला स्टेप क्या कहता है, टू पाई माइनस एक्स की बात करते हैं तो टू पाई का मतलब होता है जीरो डिग्री, ये है आपके पास वन पाई और ये है आपके पास टू पाई, यहां पर आ जाता है टू पाई। टू पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे चले गए? फोर्थ क्वाड्रेंट पे चले गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट पर कॉस होता है, याद रखना ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि सी फोर कॉस थीटा, ए फोर ऑल, एस फोर साइन, टी फोर टेन। तो यहां पर कॉस तो पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है तो ये संख्या भी पॉजिटिव ही कहलाएगी, यानी कि ये हो जाएगा कॉस की पावर फाइव एक्स। और कॉस की पावर फाइव एक्स तो एफ एक्स था, यानी कि हमने वैल्यू चेक करी तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आया। और देखेंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आंसर पॉजिटिव आता ये तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, अगर यही आंसर नेगेटिव आ जाता तो हम इसका आंसर जीरो लिख देते और जीरो लिख के क्वेश्चन खत्म हो जाता। तो पॉजिटिव आया तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई कॉस की पावर फाइव एक्स इंटू डी एक्स और इसे लेट कर लेंगे हम आई और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद चलते हैं हम इससे आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां तक तो पहुंचा दिया हमें, अब उसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी के पास चलेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स अगर आपको दे रखा है तो इसका आंसर होता है जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, ये इसका आंसर होता है। तो इसको फॉलो करा जाएगा, इसको फॉलो कैसे किया जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई एंड देन कॉस, एक्स की जगह पर कॉस की पावर फाइव है, पाई माइनस का एक्स इंटू में डी एक्स, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। देन अगले स्टेप पे जब हम चलते हैं तो अगला स्टेप है आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई और चेक करेंगे कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, जीरो डिग्री से पाई के पास जाएंगे तो ये आ गया पाई और माइनस एक्स के पास जाएंगे तो ये आ गया आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन का घर होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की बात करें तो कॉस का घर क्या होता है, कॉस का घर तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये तो साइन का घर है, यहाँ पर कॉस नेगेटिव है तो माइनस का कॉस लिखेंगे एक्स और पावर फाइव है तो पावर फाइव भी लिखी जाएगी, ये लिख दिया पावर फाइव। अच्छा नेगेटिव है तो नेगेटिव को
पावर 5 है तो माइनस का ही रहेगा, बाहर निकाल देते हैं, माइनस का 2, 0 टू पाई, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 5x इंटू टी एक्स, या फिर आप इसे यहाँ पर माइनस लिख देते हैं और बाहर नहीं लिखते हैं, चलो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी कर सकते हो, मैंने अंदर ही लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने माइनस, ठीक है। तो अब ये आपके पास हो गई सेकेंड इक्वेशन, वो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन है, आप दोनों को ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आप फर्स्ट इक्वेशन देख चुके होंगे, ये मिलेगा 2i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई कॉस की पावर 5x प्लस माइनस कॉस की पावर 5x इंटू में dx। तो प्लस और माइनस तो माइनस होता है, अब देखेंगे तो क्या बनेगा, ये दो से ये दो कैंसिल हो गया और ये बना आपके सामने i इज इक्वल टू 0 टू पाई कॉस की पावर 5x माइनस कॉस की पावर 5x इंटू में dx। आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे उतारते चले जाएंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अगर आप कॉपी पे नहीं उतार रहे हैं तो फिर देखने से तो मैथ समझ में नहीं आती, याद रखिएगा, फिर सिर्फ आपका देखना भी वेस्ट है, आप मत देखिए क्योंकि उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका देखने का बेनिफिट जब मिलेगा जब मेरे साथ साथ आप कॉपी करेंगे, और जिस स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट आता है वो सिर्फ देख सकता है, यानी रिविजन कर रहे हैं वो स्टूडेंट, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो याद रखें, इसे कॉपी में उतारें। ये मेरा आंसर आ चुका है क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है। तो आपको मैंने सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी दे दी है, सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई है। आपको मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ करने के लिए दोबारा से बता देता हूँ, ये देखिए हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और इस 7 प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने है, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपके सामने दे रखी है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी किसी भी क्वेश्चन के बीच में यूज होगी, इसकी इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं आता। ऐसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये भी किसी क्वेश्चन के बीच में इस्तेमाल हो सकता है इसका, कि आपने इंटरचेंज कर सकते हो या फिर सेम वैल्यू में एक्स का एफ टी बन जाएगा, इसका भी कोई भी क्वेश्चन इंडिविजुअल नहीं आता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी आपको कम ही दिखेगा, इसलिए मैंने इसे नहीं कराया क्योंकि इसके बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन दिखे तो आप इस पर प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब आपको प्रॉपर्टी लगाना आ गया किस तरीके से ये यूज हो रहा है। मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी बताई, और फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल होता है, और किसी प्रॉपर्टी के बीच में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया। फिफ्थ प्रॉपर्टी का मैंने एक क्वेश्चन कराया और क्वेश्चन करने के लिए दिया, मोड वाले क्वेश्चन में मोड लिखा होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर मल्टीपल फंक्शंस दे रखे होते हैं, इस केस में हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। देन सिक्स और सेवन प्रॉपर्टी जो देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है, बस चेक करने का तरीका अलग है, इस दोनों के एक एक क्वेश्चंस मैंने कराए। सिर्फ इतनी नॉलेज जितनी मैंने आज आपको दी है, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं वो जरूर करिएगा, देन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है। ये पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा। लेकिन उसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको, हमारी एक गूगल क्लासरूम है उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, देन उस लिंक से आप गूगल क्लासरूम में एंटर कर जाइए, देन वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है हमने, और बच्चे डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हो, और स्टूडेंट्स आपको रिप्लाई कर सकते हैं, और अगर किसी से रिप्लाई नहीं होता है स्टूडेंट से तो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ अगर मुझे समय मिलता है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्रैश कोर्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप कंप्लीट कोर्स देखते हो और करते हो, ठीक है। तो बाय बाय गाइज़।